Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Styler SolidWorks tutorial series. So friends, आज इस tutorial में हम बात करेंगे loft command और boundary command की. दोनों में difference क्या है, कैसे हम इनको use कर सकते हैं और कैसे हम इनकी help से design बना सकते हैं. Like मैंने एक design already बना के रखा हुए, मेरे पास ये flask है. So इस तरह से आज हम एक design बना के देखेंगे with the help of loft and boundary command. Okay? So आइए से start करते हैं. Control N करेंगे. पार्ट मॉडलिंग को ओके करेंगे. सो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स चाहिए. सो सबसे पहले मेरे पास ये प्लेन आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल लगाया. मेक द डाइमेंशंस 100 mm. ओके, एक मेरे पास ये सर्कल आया, मुझे डिफरेंट प्लेन्स चाहिए. सो मैं एक प्लेन और लूंगा विद द रेफरेंस ऑफ सेम प्लेन. तो इसके ऑपोजिट ही चाहिए मुझे एक प्लेन. तो यहाँ पे डिस्टेंस में कितना लेके चलूंगा इसका, 200. तो यहाँ पे एक प्लेन आ जाएगा मेरे पास, आप देख सकते हैं दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. और इसमें मैं एक स्केच बना लूंगा, मेरा एक सर्कल रहेगा यहाँ पे. सो सर्कल हमारा कितना रहेगा, 40 mm का. ओके, सो इस तरह से आपका एक और स्केच क्रिएट हो गया. देन इसी प्लेन के रेफरेंस से एक और प्लेन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसको डिस्टेंस देंगे हम 100 mm. ओके, और सेकंड प्लेन पे भी हम स्केच क्रिएट कर लेते हैं. हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे बिल्कुल सेंटर से, और वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. सो इसकी डायमेंशन दे देते हैं 55, और यहाँ पे भी हम 55 डायमेंशन दे देते हैं. सो फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह की ये तीन प्रोफाइल्स आ चुकी हैं. सो इनको आप अगर एक्सट्रूड करोगे तो किस तरह से कर सकते हो, देखो एक्सट्रूड में क्या था हमारे पास, सिंगल सिंगल को हम एक्सट्रूड कर सकते हैं वन बाय वन. लाइक अगर मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं ये एक्सट्रूड हो जाएगा, इसको मैं जितनी मर्जी वैल्यू दे सकता हूँ. ठीक है, अगर मुझे इसको भी इसी के साथ ज्वाइन करना हो और इन तीनों प्रोफाइल्स को एक साथ एक्सट्रूड करना हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल इन बॉस एक्सट्रूड, दैट इज ओनली पॉसिबल इन लॉफ्ट एंड बाउंड्री कमांड. सो प्लेन्स को हाइड कर देते हैं और मैं लॉफ्ट कमांड यूज कर रहा हूँ. लॉफ्ट में क्या पूछ रहे हैं, प्रोफाइल्स, कौन कौन सी प्रोफाइल्स आ रही है मेरे पास. ये प्रोफाइल आ रही है, ये प्रोफाइल आ रही है, और थर्ड वन ये वाली प्रोफाइल आ रही है. तो आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है. तो जैसे आप इसे ओके करेंगे आपके पास इस तरह से एक प्रोफाइल बन जाएगी. ओके, अब इसमें और क्या है, देखिए मैं इसको दोबारा राइट क्लिक करूंगा और एडिट फीचर पे चले जाऊंगा, और यहां से आपको दिख रहा होगा ये तीन कंट्रोल पॉइंट्स दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. हर एक प्रोफाइल पे आपको एक कंट्रोल पॉइंट दिखेगा. सो जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, तो मैं अगर इस कंट्रोल पॉइंट को मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट हो गया, और अगर मैं इसको अगेन दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट करूं तो ये जो मेरा प्रोफाइल है ये अब प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, बिकॉज अब ये जो प्रोफाइल है एग्जिस्ट नहीं करती है, मेरी जो प्रोफाइल है यहीं तक एग्जिस्ट करती है. ओके, सो इस तरह से आप इसकी जो है प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं. अगर आप सर्कल की प्रोफाइल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस तरह से इसके कंट्रोल पॉइंट को आप मूव कर सकते हैं. ये देखिए आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं इस तरह से. ओके, अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एडिट फीचर पे चला जाऊंगा. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है आपके पास गाइडेड कर्व्स की. ठीक है, सो गाइड कर्व्स किस तरह से हमें यूज करने हैं वो देखते हैं. इससे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे एक सेंटर पे प्लेन चाहिए. ये जो आपके पास प्रोफाइल आ रही है इसके बिल्कुल सेंटर पे, इन दो कॉर्नर्स पे मेरे को प्लेन चाहिए. सो प्लेन किस तरह से यूज करेंगे, रेफरेंस पे जाएंगे, प्लेन यूज करेंगे, इसकी एक एज को सिलेक्ट करेंगे और सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर पे प्लेन आ जाएगा. ठीक है, सो इस तरह से आपने प्लेन यूज करना है. इसे आप स्केच मोड पे ऑन कर लीजिए, और इसके बाद आपने क्या करना है, एक आर्क बनानी है. इन तीनों पॉइंट के रेफरेंस से, ठीक है, और ये आर्क आपने किस तरह से बनानी है, ये आर्क आपने बनानी है
अगर आपके पास जैसे तीन प्रोफाइल्स आ रही हैं, तो तीनों प्रोफाइल के साथ वो आर्क इंटरसेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि ये देखिए, आप जूम करके भी देख सकते हो, ये इंटरसेक्ट अभी हो नहीं रही है। ठीक है, इस प्रोफाइल को भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ से देख सकते हो आप, ये प्रोफाइल टोटली इंटरसेक्ट है इसके साथ। और थर्ड प्रोफाइल को भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए ये भी इंटरसेक्ट है, बट जो सेकंड वाली है वो इंटरसेक्ट नहीं है। सो उसे हम किस तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज करेंगे और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कन्वर्ट एंटिटीज हो गया, कंट्रोल प्रेस करेंगे, दोनों स्केचेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको कोइंसिडेंट कर देते हैं। इस तरह से आपके पास ये जो स्केच है इन तीनों प्रोफाइल के साथ इंटरसेक्ट हो जाएगा। ओके, सो मेक श्योर कि आपका ये स्केच तीनों प्रोफाइल या जितनी भी आप प्रोफाइल यूज कर रहे हैं उन सभी के साथ वो इंटरसेक्ट हो। अगर आप दो प्रोफाइल यूज कर रहे हैं तो दोनों के साथ इंटरसेक्ट होना चाहिए। अगर आप तीन चार पांच जितनी भी प्रोफाइल यूज कर रहे हैं उन सभी के साथ ये इंटरसेक्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेंटर लाइन ले रहा हूँ एक, इसको मैं यहाँ पे मिरर भी कर दूंगा। सो इस स्केच को मैंने यहाँ पे मिरर कर दिया। सो यहाँ से ओके कर देंगे इसे। अब यहाँ पे हमारे पास गाइड कर्व्स भी आ चुकी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी लॉफ्ट करेंगे, अगेन सिलेक्ट करेंगे स्केचेस को और उसके साथ ही यहाँ पे ऑप्शन आ रही है गाइड कर्व्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गाइड कर्व सिलेक्ट किया, ओके किया। तो फ्रेंड्स जैसे आपके पास यहाँ पे ओपन लूप आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स हम बिल्कुल सही स्केच बना रहे हैं। तो हमारा जो स्केच है वो तीनों प्रोफाइल के साथ एग्जैक्ट इंटरसेक्ट कर चुका है। अदरवाइज अगर आप इंटरसेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। तो जैसे आप ओके करोगे इसके अकॉर्डिंग इसकी प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स इस तरह से आप लॉफ्ट कमांड को यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पे हम बाउंड्री कमांड यूज करेंगे। उससे पहले मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। सो बाउंड्री कमांड यूज करेंगे। बाउंड्री और लॉफ्ट में क्या फर्क है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही काम होता है, बट द मेजर डिफरेंस इज जैसे मैं तीनों प्रोफाइल को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे भी आपके पास सेम उसी तरह से लॉफ्ट की तरह कंट्रोल पॉइंट्स आ रहे हैं। बट यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट्स का डिफरेंस क्या है, देखिए जैसे मैं कंट्रोल पॉइंट को मूव कर रहा हूँ तो ये क्या है, देखिए सिंगल सिंगल पॉइंट से ये मूव होके जाएगा। आप इसकी प्रोफाइल को बहुत फाइनली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लॉफ्ट में क्या था, ये कंट्रोल पॉइंट को जैसे मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप इसको सिंगल सिंगल पॉइंट तक भी लेके जा सकते हो और उसकी शेप को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये कमांड बहुत ही अच्छी रहती है आपके लिए। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन लॉफ्ट एंड बाउंड्री कमांड। और यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है आपके पास, डायरेक्शन टू। लॉफ्ट कमांड में था आपके पास गाइड कर्व्स, बस यहाँ पे आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, डायरेक्शन टू। सो डायरेक्शन टू का भी फंक्शन सेम ही है। जैसे ही आप इसकी प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपको बाउंड्री के लिए अलग से कर्व बनाना पड़ेगा। ओके, तो इसको आप क्लोज करोगे और यहाँ पे स्केच जो है उसे डिलीट करने के बाद आपने एक नया स्केच बनाना है। ये प्लेन आ रहा है आपके पास, इसे नॉर्मल कर लीजिए, आप स्केच ऑन कर लीजिए इसके साथ और यहाँ पे आपके पास प्लेन आ जाएगा। देन आपने अगेन उसी तरह से ही यहाँ पे कर्व बनाना है जो कि तीनों एक्सिस के साथ प्रॉपर इंटरसेक्ट हो। ठीक है, तो आपने जूम करके देखना है, अगर इंटरसेक्ट नहीं होगा तो आपने इंटरसेक्ट करना है। सो जैसे आपके पास ये अगेन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो आप कन्वर्ट एंटिटीज में इसे कन्वर्ट करने के बाद इसे कोइंसिडेंट कर दीजिए। तो यहाँ से ये इंटरसेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम तीनों का उसको चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे भी इंटरसेक्ट नहीं है, तो अगेन यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मर्ज कर देंगे। लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी ज्वाइन नहीं है प्रॉपर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज सिलेक्ट बोथ द पॉइंट्स और इनको मर्ज कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास ये कर्व कंप्लीट हो जाएगा। इन्हें आप ट्रिम कर दीजिए जो स्केचेस एक्स्ट्रा आ रहे हैं, और सेंटर लाइन यूज करके आप इसे मिरर कर दीजिए।
ताकि दोनों साइड एक्सिस रहे और दोनों साइड आप इसे कंट्रोल कर सकें। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे मिरर कर दिए, इसे ओके कर देंगे। सो अब यहाँ पे बाउंड्री कमांड यूज करके देखिए, सिलेक्ट द कर्व्स और इस तरह से आप इसे सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्शन टू जो आपके पास आ रही है वो आ रही है आपके पास कर्व। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं ओपन लूप आ रहा है। सो इसमें क्या है कि बाउंड्री के लिए आपको अलग से कर्व बनाना ही पड़ेगा, लॉफ्ट वाला आप यूज नहीं कर पाओगे, लॉफ्ट वाला आप यूज नहीं कर पाओगे। ओके, सो बाउंड्री के लिए आपको अलग से स्केचेस बनाने पड़ेंगे गाइड कर्व के लिए, डायरेक्शन टू के लिए। सो यहाँ से जैसे ही आप ओके करोगे, इसकी प्रोफाइल को आप इस तरह से भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी आप इसके कंट्रोल पॉइंट्स को मूव कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में ये डिवाइड हो जाता है, बहुत ही फाइन मूव करता है ये, और आप इसकी प्रोफाइल को बहुत फाइनली चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो इस तरह से आप इस प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप इसकी एजिस को अगर नहीं देखना चाहते तो एजिस को हटा भी सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी इसको शेल अंदर से अगर इसको खाली करना है तो हम शेल भी कर सकते हैं। शेल किस तरह से करेंगे, शेल सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द फेस, यहाँ पे फेस पूछ रहे हैं तो आपने फेस सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे वॉल की थिकनेस देनी है आपने। वॉल की थिकनेस कितनी रखनी है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 mm दे रहा हूँ। ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो अंदर से खाली किस तरह से होगा, ये दोनों तरफ से खाली नहीं होगा, जिस फेस को आप सिलेक्ट करोगे उसी तरफ से ही ये खाली होगा। अगर आप इस फेस को भी ओपन रखना चाहते हैं तो शेल को एडिट कीजिए और आप यहाँ पे इसका अगेन दूसरा फेस भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो दोनों तरफ से ही ये खाली हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आप शेल कमांड को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए, इसे डिलीट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपके पास इस तरह से प्रोफाइल आ जाएगी। और इसमें अगर आप टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था, तो मैंने कौन सा टेक्सचर यूज किया था जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ऑर्गेनिक में चले जाएंगे, वुड में चले जाएंगे, और वुड में जाके हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, पैटर्नड, ठीक है, पैटर्नड स्ट्रैंड बोर्ड। तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो आपने इसको यूज किस तरह से करना है, इसको आपने सिलेक्ट करना है और इसे ड्रैग कर देना है प्रोफाइल के ऊपर, और जिस भी प्रोफाइल के ऊपर आपको टेक्सचर चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, फेस आ रहा है, बाउंड्री की ऑप्शन आ रही है, आपके पास बॉडी की ऑप्शन आ रही है और पार्ट 3, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बॉडी पे देखिए, सारी ही बॉडी सिलेक्ट हो रही है, तो बॉडी को आप ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे टेक्सचर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी डिजाइन को बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी कमांड है। तो आई होप आपको ये कमांड्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी, इनको किस तरह से यूज करना है और गाइड कर्व्स को किस तरह से यूज करना है वो आप इसमें यूज करना सीख गए होंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।